नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं था कि प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम में सामूहिक नमाज अदा करने का मामला सामने आ गया। जी हां, महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से उतारे गए नाबालिग बच्चों के साथ मौलाना ने जंक्शन के वोटिंग रूम में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई है। सामूहिक नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक जगह पर नमाज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर इबादत करने पर बैन है, इसके बावजूद सरकारी आदेश के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लुलु मॉल के बाद प्रयागराज जंक्शन के वेटिंग रूम में सामूहिक नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब एक दर्जन से ज्यादा नाबालिग मुस्लिम किशोरों ने वेटिंग रूम में एक साथ नमाज पढ़ी। उन्हें नमाज पढ़वाने के लिए वहां पर बकायदा इमाम भी मौजूद था। सामूहिक नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सार्वजनिक जगह पर नमाज का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे एक मौलाना को महानंदा एक्सप्रेस से उतारा गया था। इसके बाद उस मौलाना ने ट्रेन से उतारे गए नाबालिग किशोरों के जंक्शन के वेटिंग रूम में सामूहिक नमाज पढ़ाई। जब मौलाना ये काम कर रहा था तो वेटिंग रूम में मौजूद कई लोगों ने उसकी हरकत का विरोध भी किया, लेकिन मौलाना ने इसे अपनी आस्था का मामला बताकर उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर पर एक बने वेटिंग रूम के पास ही जीआरपी और आरपीएफ की भी तैनाती रहती है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों में से किसी ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। इसे लेकर दोनों फोर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना ने केवल एक बार ही नहीं बल्कि 3 वक्त की नमाज सामूहिक रूप से वेटिंग रूम में अदा करवाई। इसके बावजूद मौलाना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर लोग हैरानी जता रहे हैं। दरअसल बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के वॉलंटियर्स को सूचना मिली थी कि महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए नाबालिग बच्चों को बिहार से नई दिल्ली ले जाया जा रहा है। वॉलंटियर्स ने ये सूचना जीआरपी प्रयागराज को दी थी, जिसके बाद ट्रेन के प्रयागराज पहुंचने पर जनरल कोच से करीब 15 नाबालिग किशोरों और 6 अन्यों को रेस्क्यू कर ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन से उतारने के बाद सभी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम लाया गया, जहां पर सभी से बाल कल्याण समिति की टीम ने पूछताछ की। किशोरों को दिल्ली ले जा रहे मौलाना ने पूछताछ में बताया कि वो फतेहपुर के एक मदरसे में पढ़ाने के लिए उन्हें ले जा रहा है। बाल कल्याण समिति के उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। कई घंटे तक वेटिंग रूम में रहने के दौरान मौलाना ने उन किशोरों को वहीं पर सामूहिक नमाज पढ़वाई। बाद में बाल कल्याण समिति ने सभी किशोरों को चाइल्ड लाइन भेज दिया। समिति ने कहा कि पेरेंट्स के आने पर किशोरों को उनको सौंप दिया जाएगा। यूपी में सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। इससे पहले भी लखनऊ में खुले लुलु मॉल में समुदाय विशेष के युवक ने जाकर नमाज पढ़ी थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने वहां पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद योगी सरकार दबाव में आ गई थी। उसने मामले की जाँच के आदेश देते हुए नमाज पढ़ने वाले कई आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था और अब एक बार फिर कट्टरपंथियों ने फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।